अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास का जो पैकिंग हमने अधूरा छोड़ा था, तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे वहाँ से जहाँ से हमने वो लीव किया था। तो ऑन पेज नंबर 2, पैरा नंबर 3। तो जब जॉरम ने क्या किया था, जब उसने पैकिंग कंप्लीट कर दी तो वो बैग पे बैठ गया था। तो उसने बोला था, आई हैव कंप्लीट माय पैकिंग एंड स्ट्रैप्ड इट। मैंने फिर बैग को कंप्लीट करके चेन दे दी। नाउ लेट अस स्टार्ट। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हरीश। तो हरीश ने इसे पूछा, क्या आपने बूट इसमें रखे कि नहीं, जूते। दिस इज़ ए फ्रेंच वर्ड, बूट्स मीन्स शूज। क्या आपने शूज इसमें रखे कि नहीं। एंड आई लुकड, मैंने देखा राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। मैंने उधर इधर देखा तो मैंने वो क्या पाया, मैंने यही पाया कि मैंने जूते बैग में पैक नहीं किए थे, मैं भूल गया था जूतों को पैक करना। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट। ये बहुत बड़ी काम है जो मैंने सोचा था। इट वॉज गोइंग टू बी, मैंने सोचा था ये मामूली काम है, पैकिंग में जल्दी जल्दी स्टार्ट करूँगा और जल्दी जल्दी फिनिश करूँगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये मामूली काम नहीं है। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट। आखिरकार मैंने फिनिश कर दिया बैग, मैंने कंप्लीट अपनी पैकिंग कर दी। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, मैंने फिर से क्या किया, स्ट्रैप किया, बंद किया इसे। आई डू द बैग शट, मैंने बैग बंद कर दिया। एंड स्ट्रैप्ड, फिर चेन मारी ऊपर से, ऑफ कोर्स। एंड जॉर्ज लॉफ्ट, जॉर्ज हंस पड़ा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, उसने ऐसे हंसा, मतलब सेंसलेस, जिसका कोई मकसद ही नहीं था, बेवकूफाना अंदाज से उसने हंसना शुरू कर दिया। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, उन्होंने मुझे वैश्य बना दिया, मतलब मैं पागल सा हो गया था, ये मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। जॉरम ये बताता, आथर हमें ये बताता है, जब मैंने पैकिंग स्टार्ट फिनिश कर दी तो उन लोगों ने हंसना शुरू कर दी। आई ओपनड द बैग, मैंने फिर से बैग खोला। एंड पैकड द बूट्स इन, मैंने इसमें बूट रखे। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अब मैं इसे बंद करने वाला था, ए हॉरेबल आइडिया ऑकर्ड टू मी, मेरे अंदर एक वहशियाना ख्याल आया। हैड आई पैकड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश में पैक किया कि नहीं। आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे पता नहीं था वो कैसा था। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है कि मैंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं। माई टूथब्रश इज़ ए थिंग, मेरा टूथब्रश वो चीज़ है, दैट हॉन्ट्स मी, जो मुझे तलाश करता था, वेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं सफ़र करता था, जब हम कोई ट्रेन से सफ़र करते हैं या बस से सफ़र करते हैं, जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हम सबसे पहले टूथब्रश यूज़ करते हैं। एंड माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी वेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ मिजरी। तो इसने मेरी लाइफ जो थी वो मुश्किल, ये मेरी लाइफ मुश्किल में डालता था हमेशा, क्योंकि मुझे हर दिन हर सुबह हॉन्ट करना था, होता है मुझे हर सुबह क्या ढूंढना पड़ता था, यही टूथब्रश मुझे ढूंढना पड़ता था। आई ड्रीम That I haven't packed it. मैंने ख्वाब देखा कि मैंने ये पैक नहीं किया था। And wake up in cold perception. मैं ठंडी आहट में उठ गया। And get out of bed. बिस्तर से निकल गया। And hunt for it. और तलाश करने लगा टूथब्रश। In the morning, सुबह सवेरे, I packed it before I have used it. मैंने ये पैक किया था जब मैंने सुबह सवेरे इसे यूज़ किया था। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, फिर मुझे खोलना पड़ा बैग ताकि दोबारा हासिल करने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, ये बात थी, मैंने सबसे लास्ट में बैग से यही चीज़ निकाली, मतलब सारे चीज़ मुझे बाहर निकालने पड़े बैग से, और एक ब्रश मुझे जो मिला वो मुझे लास्ट में मिला। एंड देन आई रिपैक, फिर मैंने पैकिंग की। एंड फॉरगेट इट, तो मैं भूल गया था। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स, मुझे जल्दी जल्दी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना पड़ा। फॉर इट
इसके लिए एट लास्ट मोमेंट आखिरी लम्हात में एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, मैंने इसे अपने साथ रेलवे स्टेशन लिया, रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीप। मैंने ये किस में लपेटा था, अपनी हैंकरचीप, अपनी रुमाल में लपेट कर मैंने जेब में लगाया था और चलते चलते मैं रेलवे स्टेशन की ओर गया था। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, मुझे बेशक हर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अब मुझे बाहर निकालनी पड़ी। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, मुझे टूथब्रश नहीं मिला। आई रुमेजड थिंग्स, मैंने चीज़ों को तितर बितर कर दिया। अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, मैंने चीज़ों को ऐसा तितर बितर किया, ऐसे हिसाब में रखे जो पहले बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब जितने भी चीज़ें वहाँ पे थे वो अपने सॉर्टिंग के हिसाब से थे, मैं जब ब्रश निकाल रहा था अब वो उस हिसाब से नहीं रहे। मैंने किताबें यहाँ रखे, सॉसर उस यहाँ पे रखे और दूसरी चीज़ यहाँ पे रखे, वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो गए वहाँ पे। अब मुझे पता नहीं था कौन चीज़ कहाँ पे है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज्स एंड हरिसेस 18 टाइम्स ओवर, मैंने जॉर्ज और हरिस 18 बार उधर इधर करते हुए देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं पाया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, मैंने फिर से चीजों को एक एक करके वापस डाला। एंड हेल्ड एवरी थिंग अप एंड शॉक इट, मैंने जब सारी चीज़ें बैग में लगा दी तो मैंने बैग शॉक कर दिया, हिलाया। देन आई फाउंड इट इन साइड अ बूट, मैंने फिर किस में पाया, मैंने ये एक बूट में पाया अपना ये टूथब्रश। आई रिपैक्ड वंस मोर, फिर मैंने दोबारा बैग खोल दिया। इसका मतलब यह है कि पैकिंग आसान चीज़ नहीं होती है, पैकिंग एक सख्त चीज़ होती है। पैकिंग करना, इसमें से ये बैलेंस रखना, माइंड सेटअप रखना है, कौन चीज़ें कहाँ पे पैक करनी है, कौन चीज़ किधर पैक करनी है, यही अच्छा मकसद होता है पैकिंग के लिए। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन, जब मैंने फिर से कंप्लीट कर दी तो जॉर्ज ने मुझे बताया, हैव यू पैक्ड द सोप आर नॉट, क्या आपने साबुन इसमें रखी कि नहीं। आई सेड आई डिड नॉट केयर हैंग वेदर द सोप वाज इन आर वेदर इट वाज नॉट, उसने मैंने उसे बोला, ऑथर बताता है, मैंने उसे बोला यही, मुझे अब कोई परवाह नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, चाहे साबुन इसमें हो या ना हो, आई डोंट केयर फॉर सोप नाउ। एंड आई स्लैम्ड द बैग, मैंने बैग को फटक से कंप्लीट कर दिया। एंड शट एंड स्ट्रैप्ड इट, फिर चेन मारी ऊपर से। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टबैको पाउच इन, क्या पाया, मैंने इसमें टबैको पाउच अंदर डाला था। एंड हैड टू रीओपन इट, मुझे फिर से दोबारा खोलना पड़ा। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, आखिरकार 10:05 PM मैंने कंप्लीट पैकिंग कर दी। एंड देन देयर रिमेनड द हैम्पर्स टू डू, अब मुझे ओनली बास्केट पैक करनी थी। मतलब हैम्पर इज नोन एज दैट टाइप ऑफ बास्केट विच इज डेकोरेटेड फुली इन साइड आर आउटसाइड। हरीश सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स, हमें चाहिए कि हमें 12 बजे से पहले स्टार्ट होना है टाइम। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट, आप ये बाकी सारा काम हम पे छोड़ दो। एंड आई एग्रीड, आर्थर बोलता है, मैंने एग्री कर दिया, मैंने माना। एंड सैट डाउन, बैठ गया। एंड दे हैड टू गो, फिर वो गए। दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, उन्होंने ठंडी आहट से स्टार्ट कर दी। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी, यही मुझे दिखावा करने के लिए, क्या, हाउ टू डू इट, अब देखो पैकिंग कैसे करते हैं। I made no comment, मैंने वापस कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझ पे impression जमाया, अब देख पैकिंग कैसे करते, लेकिन मैंने वापस कुछ भी नहीं कहा। I only waited, मैं सिर्फ देखता रहा, वेट करता रहा, with the expectation of George, यही कि जॉर्ज की expectation क्या है। हरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, हरिस जो है वो इस दुनिया में सबसे वर्स्ट पैकर है, वो पैकिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर सकता। एंड आई लुक्ड, फिर मैंने देखा, एट द पाइल्स ऑफ पलेट्स, वहाँ पलेटों के चट थे। एंड कप्स, वहाँ कप्स थे। एंड कैटल्स एंड बोटल्स एंड जार्स एंड पाइज, पाइज मीन्स पेस्ट्रीज वहाँ पे थी। एंड स्टो थे। एंड केक्स एंड टोमेटोज एट्सेट्रा, ये चीज़ें वहाँ पे थी जिन्हें पैक करना था। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, आथर यही बता था, इन चीज़ों को पैक करना है, द वर्ल्ड वुड बी एक्साइटिंग सून, अब ये पैकिंग कैसे करेंगे, मैं देखूंगा ये लोग पैकिंग कैसे करते हैं।
इट डिड, ऐसा ही हुआ, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने पहले ही जब पैकिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी तो उन्होंने कप तोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये सबसे पहला चीज था जो उन्होंने किया, स्टार्टिंग ब्रेकिंग विद द कप। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू, उन्होंने मुझे दिखाया हम पैकिंग कैसे करते हैं, मतलब पहले कप तोड़ना होता है। एंड दे गेट यू इंटरेस्टेड, ओबियसली दे विल गेट यू इंटरेस्टेड हाउ टू डू पैकिंग। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।